नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम के विकास कार्यों को लेकर निशाना साधा गया है। अजय राय ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं अजय राय। माँ गंगा को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गंगा की साफ सफाई के बिना ही चलने लगे हैं बड़े क्रूज, इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। और कई विकास के मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश की गई है। मां गंगा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी को भी घेरने की कोशिश की। कहा है कि गंगा की सफाई के बिना ही चलने लगे हैं बड़े क्रूज, कांग्रेस की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया गया है। और साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश यहां पर की गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना और कहा है कि विकास के कार्य नहीं हुए हैं। पीएम के विकास कार्यों को लेकर कई आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। अजय राय ने पीएम पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए नीरज कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया, पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जी बिल्कुल बिलाल, आपको बता दें कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 24 अरब रुपए की सौगात दी थी, उसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से गंगा पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है और मालवाहक बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने गद्दी संभालते हुए ये कहा था कि सबसे पहले हम माँ गंगा की सफाई करेंगे और यहाँ पर सफाई कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जहां तक बात की जाए मल्टी लेवल जो टर्मिनल बना है उसको लेकर के कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम जो विपक्षी की पार्टियां हैं उसको लेकर के निशाना साध रहे हैं। जी बिलाल बिल्कुल, साथ ही अजय राय ने जो कि पूर्व विधायक हैं उन्होंने पीएम मोदी पर कहा है कि विकास के कार्यों को लेकर भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, कोई भी विकास के कार्य सही तरीके से बीजेपी की तरफ से नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल बिलाल, आपको बता दें कि यहाँ कार्गो सेंटर खुला हुआ था, वहाँ पर ये कहा गया था कि किसानों को सब्जियां रखने के काम आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक उस पर काम नहीं किया गया। पिछली बार जब 14वें रैली यहाँ पे प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी, लेकिन अब तक उस पर काम नहीं किया गया, जिसको लेकर के कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद भी यहाँ पे कोई बीजेपी का नेता नहीं आया, किसानों से बात नहीं किया, जिसको लेकर के कांग्रेस में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। जी बिलाल बिल्कुल नीरज, और साथ ही जिस तरह से बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकारों की बात करें या फिर राज्य सरकारों की बात करें, गंगा की साफ सफाई को लेकर लगातार तत्परता दिखाई जाती रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाया कि माँ गंगा की साफ सफाई नहीं की गई, लेकिन बड़े क्रूज उसमें चलने लगे हैं। जी बिल्कुल बिलाल, ये कहना सही होगा कि इनका जो कहना है सफाई को लेकर के, सफाई के साथ साथ इन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो गंगा में बड़े मालवाहक आएंगे तो जो बड़े मालवाहक को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गर्मी के दिनों में यहाँ पे पानी की कमी देखने को मिलती है, इसको लेकर भी अजय राय ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कुंभ का समय आ रहा है, कुंभ को देखते हुए नालों को बंद करने की बात कही गई थी, उसको लेकर के अभी तक प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कार्य नहीं किया गया है, इसको लेकर भी कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। बिल्कुल, तो अजय राय ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजय राय कांग्रेस के पूर्व विधायक है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और साथ ही माँ गंगा की साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने कई आरोप जो है बीजेपी पर लगाए हैं और कहा है कि माँ गंगा की साफ सफाई नहीं की गई है, लेकिन उसमें बड़े क्रूज चलाना शुरू कर दिया है।